सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हुनैन प्रेजेंट्स। तो आज है हमारा रमजान डे 7 और आज है हमारा 7वां रोजा। तो अभी चल रही है सहरी की तैयारी और एक इंसान सहरी इतनी मतलब करा जा रहा है। ये जो मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैं नहीं खाया। नहीं, ये जो है इसकी ना दूसरी या तीसरी प्लेट है। ये माशाल्लाह से खाना इतना खा रही है, माशाल्लाह जरूर बोल दिया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरी बात ये, मैंने तुम्हें मैसेज किया था पराठा लेके आना, लेकिन तुमने नहीं लाया। कौन सा पराठा? पठान वाला। खैर, इसने मतलब सहरी कर ली है और ये करी जा रही है। ये अम्मी हमारी यहाँ खड़ी हुई, अम्मी बोल रही है अम्मी क्या करना, पठान वाले पराठे ला दो उसको, ये दिमाग खराब कर देगी। नहीं तो यार मुझे जाना पड़ेगा बाहर। तो अभी एक काम करते हैं, चलते हैं पठान के होटल में। पराठे भी ले लिए, दूध भी ले लिया, दही भी ले लिया और अभी चलते हैं इसको देने, जिसने मंगवाया 4 बजे मुझे भेजा इसने ये लेने के लिए। ये खाओ मोटी, खाओ, लो लो, खाओ पराठे। ये इसने रात में मुझसे, इतनी रात में इसने, इस इंसान ने पराठे मंगवाए, ये ज्यादती है। चला दिखा, इस इंसान ने मुझसे ये खा के इतना मोटा मुंह हो गया है। ओहो, फिर भी चलो माशाल्लाह, खाओ खाओ, अच्छी बात है, खाओ खाओ। अम्मी, तो अम्मी ये आपके जो बचे हुए पैसे, और अम्मी मुझे सहरी मिलेगी या सिर्फ सब इसी को देंगी? हैं, मुझे यार अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया और ये खाई जाएगी। तो खैर यार, मिलते हैं आपसे सहरी करने के बाद। सोए गाइस, सीन ऐसा है कि सहरी भी हो गई, पेट भी भर गया बहुत ज़्यादा क्योंकि आज कर ली थी सहरी ज़्यादा। तो अब जो है सीन ये, अब है फजर की अजान होने वाली है तो नमाज वमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊँगा। सो के उठ के सुबह ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस से आऊँगा थोड़ा जल्दी क्योंकि ऑफिस से जल्दी आके मुझे जाना है सदर जाना है स्टॉल का सामान लेने। तो वहाँ पर भी आपसे मिलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे सब कुछ। बाकी यार स्टॉल जो है मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि स्टॉल में दिखाऊँगा आज का व्लॉग नहीं, कल के ब्लॉग में स्टॉल दिखाऊंगा। और दूसरी बात, आप लोग ये भी बोलेंगे कि यार इससे पहले वाला ब्लॉग भी सेम ही शर्ट में था, ये भी सेम शर्ट में। तो सीन ऐसा यार, मैं आया था थक गया था बहुत इसलिए कपड़े चेंज नहीं करे, तो अब करूंगा सुबह कपड़े चेंज। तो मिलते हैं आपसे सुबह। सीन ऐसा है कि मैं अभी मुँह धो के आया हूँ क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ऑफिस से आया हूँ और धूप मतलब इतनी कोई इंतहा की धूप हो रही है। तो सीन ऐसा है कि अभी जाना है सदर, इस खोलती हुई धूप में सदर जाना है, आज जाना लाजमी है क्योंकि स्टॉल पे सामान रखना है, थोड़ा बहुत सामान कम था। तो अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट सदर में। तो सीन ये है कि मतलब सब भरा हुआ है, अम्मी भी यहाँ पे लेना शुरू कर दिया अम्मी ने सामान। और मतलब इतनी ज़्यादा धूप, रोज़ा प्लस गर्मी, मेरे सामान भी काफ़ी सारा ले लिया है और रश जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। अम्मी बस चलें हैं। सो हे गाइस, सीन ऐसा है कि मैं घर आ गया हूँ और ये सारा सामान भी, ये बड़ा हुआ सब जो ले के आया हूँ और सारा सामान स्टॉल पर लगा हुआ भी है। तो अभी अफ्तारी होने वाली है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मुझे रोज़ा पता चल रहा है आज यार, क्योंकि आज जो है धूप बहुत थी और मैं बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, तो इसलिए। तो खैर, आपसे मिलते हैं अभी अफ्तारी पर। ये बाइक जो है समोसे लेने और बिरयानी लेने मुझे लेके आए गए। इसको बोला था मैंने कि तू चले जा, तू लेके आ जा अकेले, क्योंकि मुझे लग रहा था, मुझे मतलब प्यास लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बोला ये लेके आ जाए।
तू मतलब मुझे क्यों लेके आया? भाई मैं अकेला नहीं जा सकता ना, इस वजह से आपको लेके आया। खतरनाक किस्म का रश हो रहा है हर जगह पे। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, बंदी भाई कैट ले ली, बिरयानी भी ले ली और समोसे भी ले लिए। तो मिलते हैं आपसे यार, घर जाके उतारी हूँ। तो हे गाइस, सीन ऐसा है कि अफ्तारी हो चुकी है। ये अफ्तारी भैया लोग भी कर रहे हैं और ये हिबा बैठ के खाई जा रही है। तो सीन ऐसा है कि अफ्तारी हो गई है, तो अब आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।